हेलो एवरीवन, वेलकम टू फरहत किचन रेसिपी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे ही होंगे। अल्लाह बरकत दे आपके रिस्क में, आपके खानों में। तो आज हम लेकर आए हैं आलू भिंडी मसाला, जो बहुत ही आसानी तरीके से हम बनाने वाले हैं। तो आइए चलते हैं, आलू रेसिपी भिंडी के साथ, मसाले के साथ हम बना के दिखाते हैं आपको। यहाँ पर हमने 500 ग्राम भिंडी ले ली है, जो इस तरीके से हमने काट लिए हैं। और यहाँ पे हमने आलू ले लिया है, जो स्लाइसेस में बड़े टुकड़े में काट लिया है। दो प्याज लिया है हमने, बारीक काट लिया हुआ है। यहाँ पे एक बड़ा टमाटर काट लिया है हमने। यहाँ पे हमारी नारियल की चटनी है। तो यहाँ पे हमने कढ़ाई में तेल डाल दिया है और तेल गर्म हो गया है हमारा। अब इसमें हम भिंडी फ्राई कर लेंगे। भिंडी डाल के इसे हम अच्छे से ऊपर से नीचे की तरफ चला लेंगे और इसे 5 मिनट के लिए हम ढक के रख देंगे, ताकि ये हमारी भिंडी सॉफ्ट हो जाए। ध्यान दें कि हमें सॉफ्ट रखना है, बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है। तो सिर्फ 5 मिनट के लिए इसे हम ढक के रख देंगे। 5 मिनट हो गया है हमारा, इसे हम खोल के देख लेते हैं। ये देखिए, भिंडी हमारी भाप में बन गई है, ये अच्छे से फ्राई हो गई है। अब इसे हम एक बर्तन में अलग निकाल लेते हैं। इसको अच्छे से निकाल लेंगे। भिंडियाँ हमारी हो गई हैं और इसे अच्छे से निकाल लिया है। अब जो ये कढ़ाई में ऑयल बचा हुआ है, इसे में हम आलू भी फ्राई कर लेंगे। बिल्कुल लो फ्लेम में, इसको भी भाप में ही हमें पकाना है। इसमें हमें पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना है। और इसको हम थोड़ी देर के लिए ढक के रख देंगे। ढकने से पहले हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। नमक से ये आलू जल्दी गल जाए, बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करना है, थोड़ा सा ही ऐड करेंगे। बाद में हम मसाले में नमक फिर से ऐड करेंगे। अब इसको जो है हम हल्की आंच में 5 से 7 मिनट तक पका लेंगे। आलू हमारी हो गई है, इसे देख लेते हैं हम। ये देखिए, आलू हमारी भाप में पक गई है, अच्छे से सॉफ्ट भी हो गई है बहुत। इसे अब हम एक बर्तन में निकाल लेंगे अलग, इस तरीके से। आलू निकाल लिया है, अब इसमें हम ऑयल डालेंगे मसाला बनाने के लिए। ऑयल हमारा गर्म हो जाए, यहाँ पे तेल हमारा गर्म हो गया है। अब इसमें हम 1/2 टीस्पून जीरा ऐड करेंगे, प्याज बारीक कटा हुआ, और इसे अच्छे से हम लाल कर लेंगे। बहुत ज़्यादा हमें लाल नहीं करना है। प्याज हो गई है, अब इसमें हम बारीक कटा हुआ टमाटर ऐड कर देंगे और इसे पका लेंगे थोड़ी देर के लिए। प्याज के साथ हमने टमाटर डाल दिया था, टमाटर हमारी गल गई है, एकदम बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है, आप देख सकते हैं। अब इसमें हम मसाला ऐड करेंगे, लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे पहले इसमें, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम गरम मसाला ऐड करेंगे। थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा लाल मिर्च, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा सा धनिया पाउडर। अब इन सबको हम अच्छे से भून लेंगे। पानी ऐड कर देंगे, जिससे कि हमारा मसाला अच्छे से फूल जाए और पक जाए। अब इसे तेल छोड़ने तक का हम अच्छे से भून लेंगे। ये मसाला यहाँ पर भून गया है, आप देख सकते हैं, और ये मसाले ने तेल भी छोड़ दिया है अच्छे से। अब इसमें हम नारियल की चटनी ऐड करेंगे और इसे 3 से 4 मिनट तक इसी में भून लेंगे अच्छे से। नारियल की चटनी से जो है टेस्ट हमारा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, और ये बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी तैयार होगी आपकी। एक बार अगर आप बनाएंगे तो इसे बार बार दिल चाहेगा खाने का आपका। थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे
और इसे सिर्फ 3 से 4 मिनट तक ही हम इसे भूनेंगे। बहुत ज़्यादा इसे हमें नहीं भूनना है। 3 से 4 मिनट हमारा हो गया है। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें हम फ्राई किया हुआ आलू और भिंडी ऐड कर देंगे। ये हमारा आलू है और ये भिंडी, दोनों एक साथ ही हम ऐड करेंगे। अब इसे अच्छे से हम चला लेंगे और 2 मिनट तक इसी मसाले के साथ भून लेंगे। इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अगर आज की हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें आप, और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ आप बेल आइकन की बटन दबा लें ताकि हर रेसिपी आप तक पहले पहुंचे हमारी। और इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे। बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना है, थोड़ा सा ही ऐड करना है। ये हमारा भुन गया है मसाले के साथ आलू और भिंडी। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है आपको। ये देखिए, ये हो गया है। अब इसे हम सिर्फ 5 मिनट के लिए हल्की आंच में बंद करके रख देंगे। अब इसे हम खोल के देख लेते हैं। ये देखिए, सब्ज़ी हमारी पूरी तरीके से रेडी हो गई है। तो इसे आप पूरी, पराठा, रोटी, चावल के साथ भी इसे सर्व कर सकते हैं। और हमारी रेसिपी अगर अच्छी लगे तो आप लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।